मायस्थीनिया ग्रेविस शरीर की वो कंडीशन है जो आपके शरीर को, मसल्स को सब ठीक होते हुए भी उसको डिस्टर्ब कर देती है और आप अपना डे टू डे वर्क नहीं कर पाते और आप परेशानी में चले जाते हैं। आज हम बताएंगे आपको ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जिनसे विशेष तौर पे हमारे बुजुर्ग लोग जिनको मायस्थीनिया ग्रेविस होता है वह अपनी स्थिति को कंट्रोल करके सामान्य जीवन जी सके। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस के विषय में। मायस्थीनिया ग्रेविस एक ट्रबलसम मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को अचानक वीकनेस और फटीग आ जाता है उसकी वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी में, यानी वो मसल्स जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। एक पीड़ादायी कंडीशन होती है, कष्टदायी कंडीशन होती है, क्योंकि आपके मूवमेंट को इम्पेयरमेंट कर देती है। खास तौर से इसकी शुरुआत आँख की मसल से होती है, आई की ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, आई मसल से इसकी शुरुआत ज़्यादातर 80% केसेस में होती है। लेकिन होम्योपैथी में इसको ठीक करने की कारगर दवाएँ हैं। हम आज बात करेंगे ऐसी कुछ दवाओं की जो मायस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन को मैनेज कर सकें और उसे क्योर करने में आपकी हेल्प कर सकें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। मायस्थीनिया ग्रेविस साथियों आपके शरीर में मसल्स की वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी मसल्स में रैपिड वीकनेस यानी कि बहुत तेज़ी से कमजोरी आती है और फटीग आता है यानी थकान मसल्स में आती है। उसका वर्क करना, जो नॉर्मल वर्क होता है वो करना बंद कर देती हैं। बहुत ही ट्रबलसम कंडीशन होती है क्योंकि इसमें आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके मसल्स और नर्व्स के बीच के, क्योंकि नर्व्स जब कोई ब्रेन से सिग्नल भेजती हैं वो मसल्स में पास ऑन होता है रिसेप्टर्स के थ्रू। वहाँ रिसेप्टर्स जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के कारण मायस्थीनिया ग्रेविस जो एसिटिल कोलाइन होता है वो आपके मसल्स के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जो आपका नर्व से मैसेज आ रहा होता है वो आपके मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो मसल्स फटीग और वीकनेस की कंडीशन में चली जाती हैं। तो इसी तरह की यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मायस्थीनिया ग्रेविस होता है। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स जैसा कि हमने आपको बताया, मसल वीकनेस होती है। इसमें तीन बॉडी के तीन पार्ट्स की मसल सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। सबसे ज़्यादा ये शुरुआत जो इसकी ऑनसेट होता है वो होता है आपके आई मसल से। 80% केसेस में आपकी आई मसल्स वीक होती हैं और आपकी यह जो पलकें हैं यह गिरने लगती हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाता है या फिर डबल विजन यानी फोटोफोबिया हो जाता है। दूसरा, ये इफ़ेक्ट करती हैं आपकी फेस और नेक की मसल्स को। जब यह फेस की मसल्स को आपको इफ़ेक्ट करती हैं तो आपका जो फेस के इमोशंस होते हैं वहाँ इम्पेयर्ड हो जाते हैं और वहाँ वैसे वर्क नहीं करते, व्यक्ति आपको बीमार कहता है। और यह जो थ्रोट और नेक मसल्स होती हैं इससे आपको खाने में दिक्कत होने लगती है, खाना नीचे नहीं उतर पाता, खाना अटकने लगता है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो नॉर्मली यह सिम्टम्स होते हैं। और मायस्थीनिया ग्रेविस का क्या है, सिम्टम्स आते और जाते रहते हैं। ये स्लो ऑनसेट होता है यानी आपके मसल में वीकनेस आई, फिर मसल ठीक हो गई, फिर से वीकनेस आई, फिर ठीक हो गई, लेकिन स्लोली स्लोली ये बढ़ता जाता है। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपको अत्यधिक कमजोरी किसी पार्ट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स में लग रही है यानी आप काम करना चाहते हैं और आप काम नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में आप ज़रूर ध्यान दें कि कहीं आपको यह मायस्थीनिया ग्रेविस जो कि 60 साल के लगभग लोगों में ज़्यादा होता है, कहीं आप इस स्थिति में तो नहीं आ रहे हैं, इस बात का आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं साथियों मायस्थीनिया ग्रेविस के कॉजेस की। मायस्थीनिया ग्रेविस तब उस स्थिति में होता है जब आपका जो नर्व से सिग्नल जाता है आपके मसल्स तक वो रिसेप्टर्स के फॉर्म में जाता है। जो आपके मसल्स में पॉइंट्स बने होते हैं तो वहाँ पे वो रिसेप्टर जो नर्व से आते हैं वो सिग्नल के रूप में, जिनको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, एसिटिल कोलाइन, वहाँ आपके मसल्स में उसके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी यूँ समझे आपके बिल्कुल खांचे बने होते हैं। तो जो न्यूरो रिसेप्टर्स आते हैं वो आपके मसल में सेट हो जाते हैं।
एक ऑटोइम्यून स्थिति ये आती है कि आपका जो मसल के न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि अब जो ब्रेन नर्व्स के थ्रू आपको सिग्नल भेजता है वह सिग्नल आपके वो जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके माध्यम से भेजता है, वह आपके मसल तक नहीं जा पाते, यानी मसल को यही नहीं पता लग पाता करना क्या है, तो यह मसल आपके काबू में नहीं रहती है। तो यह जो एसिटिलकोलाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मसल्स पे वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के कारण वह ब्लॉक हो जाते हैं और आपका प्रॉपर सिग्नल फ्रॉम नर्व टू ब्रेन, ब्रेन टू नर्व टू मसल नहीं जा पाता, वो कड़ी टूट जाती है। यही स्थिति साथियों होती है जो आपको मायस्थेनिया ग्रेविस ला सकती है। दूसरा कारण होता है साथियों आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड यहाँ पर होता है और यह थाइमस ग्लैंड एसिटिलकोलाइन को ब्लॉक कर देता है, उस स्थिति में भी आपको मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान भी है, हम आपको बताएंगे मायस्थेनिया ग्रेविस को कंट्रोल करने और क्योर करने मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। बस आपसे विनम्र निवेदन है दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, क्योंकि एक सीरियस और इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन भी कॉज कर देती है बीमारी, तो आप कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लीजिएगा, यूँ अपने मन से ना लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पर जिस पर आपको बताते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। मायस्थेनिया ग्रेविस का इलाज हम लोग जिस दवा से अपने क्लिनिक पे शुरू करते हैं वह है कॉस्टिकम हेनिमिनाई। कॉस्टिकम 1 mg पावर में एक खुराक मरीज को देने से मायस्थेनिया ग्रेविस का जो सबसे बड़ा सिस्टम है रॉनेस एंड सोरनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी उसको वह सेटिस्फाई करता है और यह पैरालिसिस की भी बहुत अच्छी दवा है। तो मेरा निजी विचार है हम लोग कॉस्टिकम से दवा को शुरू इलाज को शुरू करते हैं, किसी और डॉक्टर का इलाज भिन्न हो सकता है, लेकिन हम लोग एज ए ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस मान के मायस्थेनिया ग्रेविस का इलाज कॉस्टिकम हेनिमिनाई से शुरू करते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस में साथियों एक कंडीशन आती है आपके पैरों में कमज़ोरी, आपके पैरों में कमज़ोरी हो जाती है और आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते। तो अगर यह स्थिति है किसी में कि आपके मसल्स के पैर की मसल्स में वीकनेस आ गई और दर्द हो रहा है और पेशेंट इज़ अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं पा रहा है बहुत दूर तक, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड पिक्रिनम। आप एसिड पिक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है और आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पा रहे, तो यह दवा आपको ठीक करेगी, आपके सिम्टम को ठीक करेगी, आपको क्योर करेगी और आपके जीवन को आसान बनाएगी। एक स्थिति साथियों मायस्थेनिया ग्रेविस में आती है कि आप अपनी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मसल्स में मूवमेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो गया, बजाय वॉलेंट्री मसल्स के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट शुरू हो गया। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एनाकार्डियम। आप एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा आपकी मसल्स की मोबिलिटी को नॉर्मलाइज करेगी, ठीक करेगी और आपके मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन को आपको राहत देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके हाथों में वीकनेस आ गई, हाथ अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, वो मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन आ गई। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके अपर लिम्ब्स के आपके हाथों में कमज़ोरी आ रही हो और आपके हाथ आपके हिसाब से वर्क ना कर पा रहे हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम हेनिमिनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा आपके यह जो तकलीफ है मायस्थेनिया ग्रेविस किसको ठीक करेगी उस स्थिति में जब आपकी तकलीफें रात में बढ़ती हों और आपके शरीर में सोरनेस रहती हो। कॉस्टिकम का एक और सिम्टम है मेंटल की, कॉस्टिकम के मरीज को दूसरे के प्रति दुख के प्रति संवेदना बहुत रहती है, कॉस्टिकम हैज़ ग्रेट सिंपथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो अगर यह सिम्टम आप देखते हैं और मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है जो तकलीफ रात में ज़्यादा बढ़ती है और प्रोग्रेसिव होती है धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस कॉस्टिकम हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि
बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जो कि मायस्थेनिया ग्रेविस का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो अगर अपनी इच्छा से हाथ पैर आपके मसल्स नहीं काम कर रहे हैं खास तौर से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन को ठीक करेगा और आपके जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं उनको भी यह सामान्य रूप से लाएगा। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको मायस्थेनिया ग्रेविस की दिक्कत हो और आपके मसल्स में अंदरूनी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति है कि आपके बहुत पेन हो रहा हो मसल्स में, मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन और बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको महसूस हो रही हो, तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमीप्रोवाइनम। आप जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मसल्स को ताकत देगी, आपके जो मसल्स के अंदर का पेन हो रहा है उसको ख़त्म करेगी और आपका डलनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, डिजीनेस, इन स्थितियों को ख़त्म करेगी। और जलसीमियम के मरीज को प्यास बहुत कम लगती है, तो यह दवा आपकी प्यास भी बढ़ाएगी। तो अगर यह सिम्टम्स है आप में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस के, और आपको प्यास बहुत कम लगती है, तो जलसीमियम मायस्थेनिया ग्रेविस के केस में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथी वो आती है कि मरीज में खून की बहुत कमी हो, अनीमिक कंडीशन हो और उसको मायस्थेनिया ग्रेविस हो। तो अगर यह स्थिति है किसी को कि अनीमिक कंडीशन है, उसकी मायस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फेरम मिटालिकम। आप फेरम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज, खास तौर से महिलाओं जिनमें खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, उनको आप फेरम मेट दे सकते हैं। यह मसल्स में ताकत लाएगा, आपके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करेगा और आपके मायस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन को मैनेज करेगा। एक स्थिति साथियों मायस्थेनिया ग्रेविस की आती है कि ज़रा सा काम करा और थक गए। तो अगर थोड़े से भी वर्क करने से आप थक रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। यदि आपको मायस्थेनिया ग्रेविस की शिकायत है और आप में बहुत थोड़ा सा काम करने भी थकान आ रही और बहुत एंजाइटी आपको बनी रहती है और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको प्यास लगती है और आपकी तकलीफ़ें रात में 10-12 से 2 बजे के बीच बढ़ती हैं, तो आर्सेनिक एल्बम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। इसकी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके अपने मायस्थेनिया ग्रेविस को ठीक कर सकते हैं। अगर साथ में आपको डायबिटीज़ है उस पर बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी एंजाइटी को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों मायस्थेनिया ग्रेविस में आती है कि आपकी जो लार्ज मसल्स हैं, जो बड़ी मसल्स हैं बॉडी की, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यह सब हो गई, तो इनमें जो है वह गांठें पड़ रही हों, वीकनेस आ रही और गांठें पड़ रही हों। तो अगर आपके फाइब्रस टिश्यू बन रहे हैं और आपको मायस्थेनिया ग्रेविस है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। आप कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके शरीर में गांठें पड़ रही हों, मायस्थेनिया ग्रेविस की आपको शिकायत हो और ख़ास तौर से महिलाएँ फियर फैट एंड फ्लैबी कॉन्स्टिट्यूशन की हों, मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती हो और उसके सर से पसीना बहुत आता हो, यह अगर सिम्टम्स हो, तो कैल्केरिया कार्ब आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस मायस्थेनिया ग्रेविस की स्थिति में हो सकती है। एक स्थिति साथियों मायस्थेनिया ग्रेविस में आती है कि आपके पैरों का भारीपन। अगर आपको अपनी लेग्स में हैवीनेस महसूस हो रही है, अपने बॉडी में हैवीनेस महसूस हो रही है और वीकनेस महसूस हो रही है, तो उस स्थिति में मायस्थेनिया ग्रेविस को ठीक करने, आपके पैरों के भारीपन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है स्टैनम मिटालिकम। आप स्टैनम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पैरों के भारीपन को ख़त्म करेगी और आपके मायस्थेनिया ग्रेविस को भी ठीक करके आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी। एक स्थिति साथी हो आती है कि पूरे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई, आपको मायस्थेनिया ग्रेविस है और आपके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई, तो अगर जनरल वीकनेस आपके शरीर में आ रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है सैक्रिनम लैक्टम एसिडिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस मायस्थेनिया ग्रेविस को भी ठीक करेगी और जो जनरल टाइर्डनेस आपके बॉडी में आ रही है उसको भी यह दवा सैक्रम लैक्टम एसिडिकम सही करने में सक्षम है। तो आप इस दवा को लेके अपने बॉडी की जनरल टाइर्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं।
एक स्थिति साथियों मायस्थीनिया ग्रेविस में आती है, वहाँ आती है कि आपको मायस्थीनिया ग्रेविस की शिकायत है और आपके पैर में कंपन हो रही है, ट्रेमलिंग हो रही है। तो अगर यह स्थिति आपको हो कि आपको मायस्थीनिया ग्रेविस की शिकायत है और आपके पैरों में ट्रेमलिंग हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोनियम मैक्युलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपको मायस्थीनिया ग्रेविस की स्थिति है और आपके पैर में ट्रेमलिंग यानी कि कंपन हो रही है, यह दवा आपके मायस्थीनिया ग्रेविस का प्रोग्रेशन भी रोकेगी और आपके ट्रेमलिंग को भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है जब आपकी मायस्थीनिया ग्रेविस की शिकायत हो और आपके पैरों में पतले हो रहे हों, पैर कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी मसल्स ख़त्म हो रही हों, आपको कहते नहीं कि शरीर भारी है लेकिन पैर बहुत पतला हो गया, तो इस तरह का अगर वेस्टिंग ऑफ मसल्स की कंडीशन हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप प्लम्बम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके शरीर की वेस्टिंग ऑफ मसल्स को रोकेगा और आपकी वीकनेस को ख़त्म करेगा और मायस्थीनिया ग्रेविस को कंट्रोल करेगा। ये कुछ दवाएं थी साथियों मायस्थीनिया ग्रेविस की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे फिर विनती करूंगा कि क्योंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है, तो कोई भी दवा आप कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाएँ। निवेदन करेंगे साथियों, एक जटिल बीमारी है जो खासतौर से बुजुर्गों को होती है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो समाज हित और हमारे हित दोनों के लिए आप इसको लाइक शेयर और अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।